हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दिवाली के टाइम में जो है झालर और डेकोरेशन सामानों के अलावा और किन किन सामानों की जो है डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब दीपावली के टाइम में उन्हें जो है हमें अपने दुकान पर ज़्यादा क्वान्टिटी में रखना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि जितने भी नए दुकानदार होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये जो है बात परेशान करती है कि आखिर जो है डेकोरेशन लाइट के अलावा और कौन से सामान हम रखें जिनकी जो है दीपावली में ज़्यादा मांग होती है, जिसे हम क्वांटिटी में रखें और कोई ग्राहक ना घूमने पाए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनको जो है डिस्टर्ब करती है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से कई हमारे जो सब्सक्राइबर कमेंट करके हमसे पूछ चुके हैं कि सर जो है एक वीडियो ये भी बनाइए कि दीपावली के टाइम में जो है झालर के अलावा और कौन कौन से सामान हमें जो है अपने दुकान पर ज़्यादा क्वांटिटी में रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं एक लिस्ट तैयार करके रखा था, थोड़ा मैं देख लेता हूँ लिस्ट है कहाँ, एक मिनट। लिस्ट ये मिल गई, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊँगा, बस मैं आपको तेज़ी से बताऊंगा कि कौन कौन से सामान जो है आपको इस टाइम ज़्यादा स्टॉक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये भी थोड़ा सा बता दूंगा। सबसे पहला चीज़ तो दोस्तों जो है बल्ब में आप जो है 7 वाट से लेके 40-50 वाट तक के बल्ब रखें, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा आप बल्ब रखें तो 7 वाट का रखें। फिर उसके बाद से जो है आप 9-10 वाट रख सकते हैं, मतलब उसके बाद उतने क्वांटिटी में रखें, उसे एक अनुपात में रखें। मान लीजिए अगर आप 100 पीस जो है 7 वाट रखते हैं तो 30-40 पीस जो है आप उससे ज़्यादा वाट का रख लें, और जो 18 वाट, 23 वाट, 30 वाट, 40 वाट होते हैं इन्हें बहुत कम रखें। 10 पीस, 15 पीस, 5 पीस, जो जितना ही ज़्यादा वाट का हो उसको 5 पीस, 3 पीस ऐसे रखें, उनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, बहुत कम ग्राहक उसके आते हैं। तो और उसके बाद से जो रंगीन बल्ब होते हैं, रंगीन बल्ब में बहुत तरह के बल्ब आते हैं। एक तो जो आप ऊपर देख रहे हैं नाइट बल्ब, ये है, ये भी हो गया। इसके अलावा ये तो गारंटी वाला बल्ब हो गया। इसी टाइप में जो है एक आता शीशा वाला जो है नाइट बल्ब, 0 वाट बल्ब जिसको बोलते हैं, वो भी रंगीन आता, उसको भी आप रखें शॉप पे। उसके अलावा और भी बल्ब आते हैं रंगीन में जो आजकल आए हैं बड़े साइज में, 7 वाट या 9 वाट साइज में जो है आए हैं, उन्हें भी ज़्यादा ना रखें, थोड़े अभी रखें, एक अनुपात वो भी सेट कर लें। फिर टू पिन प्लग मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हो सकता है समझने में, ये टू पिन प्लग है। टू पिन प्लग भी आप ज़्यादा जो है क्वांटिटी में रखें, क्योंकि अक्सर करके जो है लोग जहाँ पे बल्ब नहीं लगा होता वहाँ के लिए टू पिन प्लग और जो होल्डर होता है वो लेके जाते हैं, और जो लूज वायर होता है जिसको मतलब ट्विस्टेड वायर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये वाला वायर, इसमें 1476 से लेके 4076 तक सब जो है अच्छे खासे क्वांटिटी में आप रखें। तो इसमें लगा के लोग जहाँ उनका बल्ब नहीं लगा हुआ है टू पिन प्लग और लटकाने वाला जो होल्डर होता है लगा के वहाँ पे बल्ब लगाते हैं। तो टू पिन प्लग, लटकाने वाले होल्डर में दो टाइप का होल्डर आता है, एक पेंडेंट होल्डर आता है, पेंडेंट होल्डर का मतलब होता है सादा होल्डर, और एक मल्टी होल्डर होता है जिसमें साइड से जो है प्लग खोसने का सिस्टम होता है। उसके बाद से जो है आप बेड स्विच जिसे मान लीजिए अब ये वाला प्लग वाला सिस्टम कहीं कर दिए हैं और वहीं से बंद चालू करना है, या तो प्लग नहीं लगाए डायरेक्ट बोर्ड में लगवा दिए और बोर्ड में बटन नहीं खाली था, उनको वहीं कहीं से बंद चालू करना है, तो वहाँ पे चुटपुटिया जिसको भी लोग कहते हैं चुटपुटिया दे दीजिए बेड स्विच को, तो बेड स्विच लगा देते हैं। तो बेड स्विच भी जो है आपको ठीक ठाक क्वान्टिटी में लेना होगा। अब कितना लेना होगा ये आप मुझसे मत पूछिए, एक अपने हिसाब से आप कितना रखते हैं उसका डबल कर लीजिएगा। अगर आप जो है एक डब्बा बेचते हैं तो 2 डब्बा या 3 डब्बा कर लीजिए अगर आपके बजट में है तो। बेड स्विच के बाद तार तो बता ही दिया हूँ आपको, 1476 3076 2376 4076, ये हर साइज़ का तार कम से कम 2-2 पैकेट 3-3 पैकेट अपने आवश्यकतानुसार, जैसा कि मैं बताया बेड स्विच में कि अगर आप 2-3 डब्बा अगर आप पैकेट रखते हैं अपने दुकान पे तो उसका डबल कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं डबल है तब भी 1-2 बंडल एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। उसके बाद जो है टेप हो गया, टेप के बाद जो है बिट पिन, जो बिट वाली वायरिंग करते हैं उसमें जो खीला मारते हैं वो वाला खीला भी जो है आप
ठीक ठाक मतलब अपने दुकान पे रख लें, ऐसा ना हो उस टाइम ना हो, क्योंकि लोग दीपावली के टाइम में पोस्टर वगैरह दीवार पे मारने के लिए बिटपिन की भी डिमांड करते हैं। बिटपिन के बाद जो है एक्सटेंशन बोर्ड, जैसे एक्सटेंशन बोर्ड लंबे में आता है 6+1, 6+6, ये भी जो है दुकान झालर वगैरह लोग लगाने के लिए या बहुत सारी डेकोरेशन लाइटें होती हैं एक जगह लगाने के लिए उसका भी यूज करते हैं, वो भी बिकता है, तो उसको भी अपने थॉप पे जो है कुछ ना कुछ रखें। उसके बाद से जो चक्री वाला बोर्ड होता है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड में तार छोटा होता है, चक्री वाले में थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी भी डिमांड रहती है। उसको भी अपने दुकान पर एकदम देख लें कि अगर नहीं है तो कुछ पीस आप उसको भी रखें, और है थोड़ा सा क्वांटिटी दो चार पीस बढ़ा लें। फिर मेल फीमेल, जैसे ये आता है और एक इसमें खोदने वाला आता है सेम इसी तरह से, तो मेल फीमेल बोलते हैं, उसकी भी बहुत जगह जो है ज़रूरत पड़ती है। जो लोग झालर वगैरह लेके जाते हैं तो मान लीजिए एक तरफ ये वाला लगवा लेते हैं, एक तरफ फीमेल वाला, तो ऊपर ले जाकर उसको खोज देते हैं पलक में, तो मेल फीमेल भी आपके शॉप पर होना चाहिए दीपावली के टाइम में, वो चीज़ें भी निकलती हैं। उसके बाद जो है DTH वगैरह, क्योंकि जैसे दीपावली में TV वगैरह ज़्यादा बिकते, मेरे वहाँ शॉप पे तो नहीं है लेकिन TV बिकती है, तो अक्सर करके TV बिकती है, तो कभी कभी तो लोग वहीं से डिश वगैरह लगा लेते हैं, या संयोग से वहाँ पे टाइम नहीं है या उसके पास माल नहीं है या मिस्त्री नहीं है, तो लोग आपके वहाँ भी आ सकते हैं। अगर फ्री डिश अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं, आपके पास है मिस्त्री लगाने का, तो फ्री डिश भी कुछ क्वांटिटी में आपके पास होना चाहिए, उस टाइम इसका भी काम आपको जो है मिलेगा, और मिस्त्री भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो लगवाएगा वो खुद नहीं लगाएगा, आपसे कहेगा भैया भेज के लगवा दीजिए। तो फ्री डिश हो गया, और रिचार्ज वाले भी बहुत सारे ग्राहक मिलेंगे, तो अगर रिचार्ज वाला डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कहीं है तो उसका संपर्क बना लें, आप उसको बुक करवा के जो है वहाँ पे लगवा सकते हैं, उसके पीछे भी आपको कुछ प्रॉफिट मतलब कमीशन मिल जाएगा अगर आप खुद नहीं सेल करते हैं तो। उसके बाद जो है मिक्सर हो गया, तो मिक्सर वगैरह अगर आपको लगता है तो कुछ रख सकते हैं अपने शॉप पे। वजह यह है कि मिक्सर वगैरह बर्तन वाले भी रखते हैं, तो अक्सर करके लोग जो है दीपावली के टाइम में बर्तन वगैरह ज़्यादा खरीदने पे लोग ध्यान देते हैं, तो बर्तन खरीदने जाते हैं तो मिक्सी वगैरह भी अक्सर वहाँ से ले लेते हैं, या फ्रिज वगैरह TV वगैरह जहाँ खरीदने जाते हैं वहाँ भी मिक्सी बिकता है तो वहाँ से भी ले लेते हैं, लेकिन आप भी अपने शॉप पे रखें, हो सकता है निकल सकता है, ठीक है, न ज़्यादा रखें, 2 ही पीस रखें, 3 ही पीस रखें, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो उसे भी रख लें। उसके बाद से इंडक्शन चूल्हा, हर जगह उसकी डिमांड तो नहीं है लेकिन 1-2 पीस अगर आपको लगता है बजट हो तो रख लें, वो भी निकल सकता है, और वो भी चीज़ जो है लोग बर्तन वाले रखते हैं लेकिन फिर भी आप भी रखें। उसके बाद प्रेस है, प्रेस भी जो है, प्रेस तो हमेशा ही रहता है लेकिन अगर आप अपना स्टॉक चेक कर लीजिए, स्टॉक में अगर नहीं है तो आप मंगा लें, अगर है भी तो अगर आपको लगता है कि कम है तो उसको भी आप बढ़ा लें। फ्रिज वगैरह जो अगर आपके पास बजट है तो मंगा लें, नहीं बजट है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये सब बड़ा आइटम है, फ्रिज है, TV है, वाशिंग मशीन है, ये सब भी जो है निकलते हैं, लेकिन आपके पास बजट होना चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप मंगाएं, निकलेगा, क्योंकि इस टाइम जो है इन चीज़ों की खरीदारी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, लगभग मैं कोशिश किया, जो लिस्ट तैयार किया तो उस हिसाब से बता दिया, बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहता हूँ, और बाकी जो एसेसरीज आइटम होते हैं वो तो निकलता ही है, क्योंकि दीपावली के करीब आते आते सभी लोग अपने घर के अंदर जो है रंगाई पुताई से लेकर हर तरह का मेंटेनेंस करते हैं, कि किसी भी तरह का कोई भी बोर्ड कहीं ख़राब है, किसी का स्विच ख़राब है, किसी का और कुछ ख़राब है, तो वो अदर टाइम में नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन दीपावली के टाइम में जो है वो रिपेयर ही करते हैं, तो और भी चीज़ों की जो है डिमांड बढ़ेगी, जैसे स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, तो इनमें जो है ज़्यादा करके ओल्ड जो है मतलब जो सादा स्विच सॉकेट है इन्हीं की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि पहले की जो वायरिंग थी ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप की है, नए वायरिंग में इतना जल्दी फॉल्ट नहीं आता, नए वायरिंग में भी जो थोड़ा बहुत मिलेगा मतलब थोड़ा बहुत उसकी भी डिमांड मिले, लेकिन सादे वाले की ज़्यादा आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों लगभग जो है मैं सारा बता दिया आपको, हर चीज़ अपना जो भी स्टॉक है जो भी आपके शॉप पे नहीं है एक बार चेक कर लें, और अगर आपके पास 2-3 पीस पड़ा हुआ तो आप उसको ज़रूर एक एक डब्बा, 2-2 डब्बा आप अपने बजट के हिसाब से ज़रूर ले लें, क्योंकि दीपावली टाइम में हर आइटम निकलता है, ये जो आइटम मैं बताऊँगी ये थोड़ा सा ज़्यादा बिकता है, इस वजह से इस चीज़ को मैं आपको बता दिया हूँ, और बाकी चीज़ें अपना स्टॉक चेक करके उस हिसाब से ला लें, कि ग्राहक घूम के ना जाए दुकान पर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके देख लें कि कौन कौन से लोग जो है कमेंट में कौन कौन सा सामान बताए हैं जो मैं बताना भूल गया था, छूट गया था, वो भी जो है कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाला है तो उसको भी आप लोग अपने उसमें नोट कर लें। और अब दीपावली बहुत ही करीब रह गया है, क्योंकि नवंबर में मतलब अगले महीने में 4 तारीख को जो है दीपावली है, तो बहुत समय नहीं रह गया। जल्द से जल्द इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों का स्टॉक अपने वहाँ चेक करके इन चीज़ों को जो है का स्टॉक मेंटेन अपने वहाँ कर लें। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक में मैं बनाऊँ ये भी कमेंट करके आप लोग जो है मुझे बताते रहें। तो फिर मिलेंगे जो है इसी तरह से नई नई जो है जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।